नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ इस वक्त शुभम है और हम मौजूद हैं धान मार्केट में। हम आपको बता दें कि इसके पहले आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार लोगों से निवेदन करती है, उनसे अनुरोध करती है कि आप इनक्रोचमेंट ना करें, लेकिन अब वक्त आ गया है जब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नोटिस थमाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको स्टेडियम के पास से दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, स्थानीय लोग भी हैं और कई दफ़े समझाने के बाद भी जब लोगों ने अपनी मनमानी करनी नहीं छोड़ी तो आखिरकार पुलिस प्रशासन के पास कोई दूसरा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और अब इन्हें कानूनी नोटिस थमाया जा रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उत्सुकता लोगों में, जिज्ञासा काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जब इस तरह से किसी शॉप के अंदर देखा जाता है तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को किसी दुकान के अंदर जाना पड़ा। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि शहर में विभिन्न जगहों पे आपने इनक्रोचमेंट देखा होगा। बार बार लोगों को समझाया गया, बार बार निवेदन किया गया कि वह कानून के दायरे में रह के अपना कार्य करें, लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो समझाने और बुझाने का वक्त लगता है शायद ख़त्म हो गया और अब इस पे कार्रवाई की जा रही है। इनक्रोचमेंट करने वालों पे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अब उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों से इस बीच में बात करता चाहिए। बताइए, पुलिस प्रशासन जो अब कानूनी कार्रवाई कर रही है, नोटिस जो लोगों को थमाया जा रहा है, आप इसके हक में हैं या आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है? ना, गलत नहीं हो रहा, हक में है। हक में? हाँ। कई बार लोगों को समझाया गया है, समझाया गया, उसके बाद नोटिस दे रहा है, वार्निंग दी है। तो सफेद यूनिफॉर्म में इस वक्त ट्रैफिक विभाग के लोग अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं और बार बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लोगों के हौसले बुलंद हो गए थे। बार बार समझाने के बाद भी बार बार बड़े प्यार से उनसे अनुरोध किया गया था, लेकिन कई दफ़े समझाने के बाद भी जब ये नहीं समझे तो इनके पास, प्रशासन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और अब कानूनी कार्रवाई का ये वक्त है। इनक्रोचमेंट को लेकर हम दोबारा आपको समझा दें कि सिलीगुड़ी शहर में मुख्य सड़कों पे वो सड़कें जो सरकार की है और फुटपाथ है, चलने के लिए बनाया गया है या फिर पार्किंग के लिए बनाया गया है, जो जगह छोड़ी गई है सरकारी ज़मीन, उस पे अधिक से अधिक लोग मुनाफा कमाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कई सालों से, जैसे उनका कोई पुश्तैनी हक हो उस पे, वो इस कारोबार को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन को अब सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इस वक्त पुलिस को जो आप कैमरे में देख रहे हैं वो दुकान मालिकों को नोटिस थमा रहे हैं। नोटिस थमाने का जो वजह बताया गया है कि बार बार समझाने के बाद भी जब ये लोग नहीं माने, इन्हें बात नहीं समझ में आई कि सरकारी ज़मीन पे इनका मालिकाना हक नहीं है और ना कभी हो सकता है, इसीलिए जो सरकारी ज़मीन इन्होंने कैप्चर किया हुआ है अपने मुनाफे के लिए उसे छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। Thank you.
पुलिस जो ये नोटिस कमा रही है ठीक कर रही है, अभी जिन लोगों ने इनक्रोचमेंट किया हुआ है। नहीं तो किस लिए कह रही है नोटिस, हम लोग क्या मतलब? इनक्रोचमेंट जो शहर में बढ़ गया है, बार बार पुलिस ने समझाया कि सरकारी जमीन पे आप अपना सामान नहीं दे सकते, उसे दखल नहीं कर सकते। ठीक कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इससे शहर में लोगों को नसर मिलेगा, लोग समझेंगे कि सरकारी जमीन उनकी नहीं है? नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, फुटपाथ को कैप्चर करेंगे, आदमी को चलना वाला तो तकलीफ हो रहा है ना सबको। आपने इस बात को कभी महसूस किया है कि अगर सड़कों पे इनक्रोचमेंट नहीं हो तो शहर नोटिस तो नहीं क्या किया जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकते है ना, सबको मर्जी का मालिक है लोग, जब कर रहे हैं पुलिस एक्शन अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा यार, क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। तो संजीव अग्रवाल को आपने सुना, और संजीव अग्रवाल भी इस बात पे मुहर लगा रहे हैं कि पुलिस जो कर रही है ये ज़रूरी था, क्योंकि कई दफ़े लोगों को समझाया गया था, उन्हें बताया गया था कि सरकारी ज़मीन पे दखल अंदाजी करना महंगा साबित होगा, और जिन लोगों ने इसे दखल किया है वो छोड़ दें, लेकिन कई दफ़े समझाने के बाद भी जब ये नहीं समझे तो आखिरकार पुलिस को सख्ती अपनानी पड़ी। अंदाजी ना करें, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर पुलिस प्रशासन मजबूरन वही कर रही है जो शायद लोगों को सही ना लगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के आज इन लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है जिन्हें पहले अपोजिट में है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग के द्वारा उन लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है जिन्हें पहले कभी समझाया गया था कि सरकारी ज़मीन पे वो दखल ना करें, अपनी दुकानदारी ना करें। कई दफ़े समझाने के बाद भी, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार उन्हें समझाया गया था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन बावजूद इसके जब वो नहीं समझे तो आखिरकार प्रशासन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और प्रशासन आज उन्हें नोटिस थमा रही है। इसके बीच में हम आपको बता दें कि प्रशासन की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी लगातार शहर को
सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, उसको लेके लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। सिलीगुड़ी पुलिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस इसके काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। बावजूद इसके अगर लोगों का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है और इस तरह से लोग सरकारी ज़मीन पर जो अपना मालिकाना हक जताते हैं तो प्रशासन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है और फिर ठीक वही होता है जो शायद अन्य लोगों को या फिर कुछ लोगों को ठीक ना लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये शहर के लिए या फिर उन लोगों की बात करें जो इंक्रोचमेंट जिन्होंने किया हुआ है अपने दुकान के आगे की ज़मीन जो उनकी नहीं है, जिन्होंने हत्याया हुआ है, तो अब पुलिस प्रशासन उनको समझाना बुझाना छोड़ के, उन्हें मनाना छोड़ के अब उन पे सीधे कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास एक नोटिस की ये कॉपी हाथ लगी है जिसमें क्या लिखा गया है और क्यों इस पर कार्रवाई हो रही है, क्या लॉ तोड़ा है उन्होंने, तमाम चीज़ें इस पर लिखी है। और आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप अब भी नहीं संभले और अब भी अगर आपने सरकारी ज़मीन पे अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ा तो ये नोटिस जल्द ही आपको भी हाथ में थमा दी जाएगी। मैं आपको एक बार ये नोटिस पढ़ के बता दूं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट एंड द ब्रांडिंग मटेरियल ऑफ योर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर इनक्रोचिंग द फुटपाथ। द फोटोग्राफ ऑफ द सेम इज अटैच्ड विद डेट एंड टाइम स्टैम्प। यू आर डायरेक्टेड टू इमिडिएटली क्लियर द सेड फुटपाथ, अदरवाइज अ स्पेसिफिक केस अंडर सेक्शन 283 IPC शेल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द राइटफुल ऑनर of the said properties and the same shall be seized following due to produce of law। तो ये चीज़ नोटिस जो है इसमें मेंशन किया गया है। और जैसा हमने आपको दोबारा कहा कि अगर आप अब भी नहीं संभले और सरकारी ज़मीन पे आपने मालिकाना हक नहीं छोड़ा तो ये नोटिस हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो और ये नोटिस आपके हाथों में थमा दिया जाए। तो पहले से ही सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय, नमस्कार।